इस दुनिया में हीरे अरबों साल पहले बने थे। ये शाश्वत प्रेम के वादे के तौर पर जाने जाते हैं। इन्हें समृद्धि और विलासिता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। पुराने जमाने में इन्हें सुकून देने वाला माना जाता था। कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल ताकत देता है। यह दुश्मनों, बुराइयों और बुरे सपनों से बचाता है। भारत में हीरों का जिक्र वेदों में हुआ है। हिंदू देवी देवताओं के भी ये पसंदीदा रहे हैं, लेकिन प्राचीन ग्रीस में शायद इसकी सबसे अच्छी व्याख्या की गई है। ग्रीसवासियों ने इन्हें ईश्वर के आंसू कहा या फिर आसमान से गिरे सितारों का टुकड़ा माना। हीरों के बारे में सबसे जबरदस्त बात यह है कि इसकी सच्चाई असाधारण है। इससे जुड़ी मान्यताएं भी अनोखी हैं। हीरे जिस तत्व से बने हैं वही जीवन का भी आधार है, और यह तत्व है कार्बन। हीरे असाधारण तौर पर कठोर होते हैं। जिन हालात में वे पैदा होते हैं उसमें वह भारी दबाव झेलने की क्षमता रखते हैं। फिर भी अगर हाइड्रोजन और तापमान का सही संयोग हो तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बनकर उड़ भी सकते हैं। हीरे असाधारण तौर पर आभा और चमक लिए हुए होते हैं। ये ताप के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। तापमान की वजह से हीरों के आकार में काफी कम परिवर्तन होता है। गहरी पराबैंगनी किरणों की वजह से यह पारदर्शी हो जाते हैं। हीरे उन चंद वस्तुओं में से एक हैं जिनका इलेक्ट्रॉन से नकारात्मक जुड़ाव है। इस धरती पर काफी कम जगहों पर इनका प्राकृतिक तौर पर निर्माण होता है। इनका निर्माण धरती की सबसे नीचे की दो परतों में होता है, या फिर ये उल्कापिंडों के असर से बनते हैं। हीरे धरती की सतह पर बड़े ही विस्फोटक तरीके से आते हैं। इतिहास में धरती के अंदर अब तक के जो सबसे बड़े विस्फोट हुए हैं उनके नतीजे के तौर पर ये हीरे बने हैं। सभी हीरे पारदर्शी नहीं होते। कुछ हल्के पीले तो कुछ भूरे रंग के भी होते हैं। कुछ हीरे रंगीन भी होते हैं। लाल, नीले और हरे रंग के हीरे तो लगभग दुर्लभ ही हैं। नारंगी, पीले और थोड़ा पीलापन लिए हरे रंग के हीरे सबसे आम हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह धरती की सबसे मोटी सतह में पाए जाने वाले खनिज की झलक दे देते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि धरती के नीचे मीलों गहराई में क्या हालात हैं। इस मायने में ब्लू डायमंड या नीला हीरा सबसे असाधारण है। हमारी दुनिया के ज्यादातर हीरे धरती से नीचे 150 किलोमीटर की गहराई में बने हैं। नीले हीरे पृथ्वी के सबसे निचले आवरण में 4 गुना गहराई तक में पैदा होते हैं। जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के भूगर्भशास्त्री इवान स्मिथ का कहना है कि हीरा जैसा रत्न काफी महंगा होता है, इसलिए वैज्ञानिक शोध के उद्देश्य से इन्हें हासिल करना मुश्किल होता है। हीरे ना सिर्फ बेशकीमती होते हैं बल्कि शुद्धता के लिहाज से भी काफी उम्दा होते हैं। इनमें किसी दूसरी चीज के मिलने की गुंजाइश नहीं होती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने 46 ऐसे ब्लू डायमंड का विश्लेषण करने में कामयाबी पाई है जिनमें कुछ चीजें जुड़ी हुई थी। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि हीरे इतने बेहतरीन रंग लिए हुए क्यों होते हैं। हार्ले कहते हैं कि ब्लू डायमंड या नीले रंग वाले हीरे न सिर्फ सुंदर और दुर्लभ होते हैं बल्कि ये बेहद दिलचस्प भी होते हैं। ये हमारी धरती के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं।